हेलो फोक्स एंड वेलकम टू द अमेरिकन बाजार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत खास शख्सियत जिन्होंने दुनिया भर में लोगों का दिल जीता है। उन्होंने काफी अलग अलग किस्म के किरदार किए हैं, चाहे वो सुदामा का किरदार हो, चाहे वो साई बाबा का किरदार हो, चाहे वो अश्वत्थामा का किरदार हो और कई अनगिनत किरदार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री मुकुल नाग साहब की, जिससे हम वार्तालाप करेंगे और उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी करियर के बारे में जानेंगे। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमेरिकन बाजार पे। नमस्कार, ओम साई राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सर, हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आप कहाँ पे बड़े हुए? हाँ, मेरी पैदाइश हुई है मेरठ यूपी में, इंडिया, और मैं वहीं पला बड़ा हूँ और एजुकेशन भी वहीं हुई है। मेरी थिएटर की शुरुआत हुई है, मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ है, जिन्होंने थिएटर में क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी, ये सब प्रेजेंट किया, उनको सिखाया मेरे को कैसे बनाया जाता है। तो प्रथम गुरु मेरी माँ है और वो आज भी है, आज भी मैं उनकी छत्र छाया में पल रहा हूँ, यहीं पर है माँ, बॉम्बे में। इस समय मैं महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में हूँ और अपना जीवन यहाँ चला रहा हूँ। मेरा कैरियर जो है थिएटर में 1972 से शुरू किया मैंने, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं दिल्ली के संपर्क में आया, दिल्ली थिएटर के संपर्क में आया 80 से, और 81 से मैंने आना जाना शुरू किया। और उसके बाद वहाँ थिएटर करते करते करीब 14-15 साल मैंने दिल्ली में थिएटर किया, क्योंकि दिल्ली थिएटर का मेन जगह है। और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ, एमए इन ड्रामेटिक्स, और वहाँ काम करते करते फिर सीधा फिर बॉम्बे और आप लोगों के सामने। तो जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए तो वहाँ पे काफी अलग अलग किस्म के लोगों से आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी महान हस्तियों के साथ काम किया होगा। तो कृपया हमें बताइए कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस थे एनएसडी में जिन्होंने आपकी एक्टिंग पर और आपकी जिंदगी पर काफी काफी प्रभाव ढाला, जिसको आप आज तक याद करते हैं, और क्या क्या सीखा उनसे? मैं देखिए, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना मेरा एक सपना था। जब मेरे को 1980 में पता चला कि थिएटर को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है और वो गवर्नमेंट के अंडर में है और वहाँ की डिग्री होती है और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मैंने कहा ऐसी भी कोई कला है जिसको सीखने के लिए इतने बड़ा इंस्टीट्यूशन है, चलो उसकी खोज की जाए। तो मुझे मालूम नहीं था कि दिल्ली में कहाँ पर है। मैं और मेरा एक दोस्त था प्रदीप जैन, हम लोग सन 80 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जेब में पैसे कम, फाइनेंसर मेरा दोस्त, उस समय 3-4 रुपए की टिकट हुआ करती थी, तो वहां भटकते हुए पहुंचे। फिर मेरे मामा जी वहाँ, इत्तेफाक से मैं जानता था कि मेरे मामा जी यहाँ पर हैं, तो उनके पास मैं गया, उन्होंने बताया कि 12 खंबा रोड के आसपास मैंने कहीं पोस्टर देखा है। मैंने कहा पोस्टर कैसा, नाटक का? कह रहे नहीं, वहां पर एक आंदोलन हुआ एनएसडी का और हेजिटेशन के लिए पोस्टर लगाओ, मैंने वहां जाते हुए पोस्टर देखा है। तो मामा जी से कोई नमस्ते वगैरह कुछ नहीं, सीधा भाग लिए हम वहां से और ऑटो किया। इतनी कड़की में भी हमने ऑटो किया कि एनएसडी को ढूंढना है,
तो बारह खंबा रोड से हम आगे बढ़े, उसके बाद भगवान दास रोड से हम आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने देखा लिखा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। तो मैंने कहा ये तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। और आगे ऑटो बढ़ गया, हम इतने उत्साहित थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही हमने सुना था। आगे जाके हमने उसको ट्रांसलेट किया, अरे नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, मैंने यही तो है, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। तो ये एक कमाल का वो है कि हम एनएसडी को कोलंबस की तरह हम ढूंढने निकले थे। सुबह करीब 5 बजे की ट्रेन पकड़ी थी हमने, सुबह पहुंचे, भटकते रहे, कभी पुलिस स्टेशन कभी उधर कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है। तो सब कहते का पागल है, क्या है यहाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो, कौन है, क्या होता है वहाँ। तो सबसे शेयर भी नहीं करते, पुलिस स्टेशन भी गए हम। तो ये एक एनएसडी का, कहने का मतलब ये था कि एनएसडी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप बिलीव करेंगे मैंने 7th टाइम इंटरव्यू दिया। 7th टाइम इंटरव्यू देने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। हर बार मैं कहीं वेटिंग में रह जाता था, कभी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता था, कभी वहां टीचर, क्योंकि मेरा क्राफ्ट्स में शुरू से अच्छा था मैं। वहाँ मैं क्योंकि बंगाली हूँ, बंगाली थिएटर करता था, तो क्राफ्ट्स का काम मैं बहुत कुछ लेकर गया था। तो वहाँ जो क्राफ्ट्स के जो टीचर थे उन्होंने मेरे से कहा कि आप क्राफ्ट्स में आ जाइए। तो लेकिन मैंने कहा मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टर बनने आया हूँ। वो एक मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, लेकिन वो मिस हो गया। बाद में मेरे को वो टीचर मुझे पान की दुकान पे मिले, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों बोला। अरे भाई मैं तुम्हें लेना चाहता था, औरों के सामने बोल थोड़ी सकता हूँ कि भाई आ जाओ तुम, मैं तुम्हें इस दायरे से अंदर लाना चाहता था जिसके बाद तुम एक्टिंग करते, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा मेरे को ये सब नहीं मालूम है, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर में सीधा साधा लड़का था, वो पेच मेरे को मालूम नहीं था। फिर मैं रेगुलर दिल्ली में थिएटर करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, और फिर धीरे धीरे ये वर्कशॉप करता रहा, फिर श्रीराम एक्टिंग कोर्स किया, फिर प्रोफेशनल थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ काम किया, फिर बाद में 87 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एनएसडी में आया। उस समय एनएसडी के डायरेक्टर थे रतन थियाम जी, बहुत ही कड़क डिसिप्लिन्ड। मतलब हम लोग योगा कर रहे थे याद है, तो हम थोड़ा पीछे से थक गए थे, तो हम थोड़ा सा स्लो करके कर रहे थे, तो अचानक एक सफेद जूता एंटर होता है, तो हम ऐसे थे झुके हुए, तो हमारे को दिखा सफेद, जो सफेद जूता मतलब डायरेक्टर, खट से हमारा जो सिर था सीधा घुटने में लग गया, बट डर के मारे, उनका डिसिप्लिन और वो सब, उनसे हम बड़े प्रभावित हुए थे। और फिर हमारे एक्टिंग टीचर थे राम गोपाल बजाज जी, फैंटास्टिक टीचर, अभी काफी फिल्में भी करते हैं आजकल, वो महाराष्ट्र में आ चुके हैं। फिर HB शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, देव महापात्रा जी बहुत अच्छे टीचर थे, रॉबिन दास एक्टिंग के लिए मास्टर आदमी। मैंने सिर्फ इंडिया के डायरेक्टरों के साथ काम नहीं किया, बल्कि फॉरेन के डायरेक्टर के साथ भी काम किया मैंने थिएटर में। क्रिस्टल लंडन स्मिथ लंडन से हैं, उनके साथ मैंने प्ले किया एनएसडी में। फ्रिट्ज बेनेविट्स जर्मन से हैं, उनके साथ मैंने काम किया। रिचर्ड फाउलर डेनमार्क से हैं, उनके साथ मैंने काम किया। इनके साथ काम करके एक अलग ही, मतलब दुनिया में अभिनय की बारीकियों को समझना, अगर मैं उन बारीकियों को नहीं समझता तो आज इतनी प्रशंसा मुझे नहीं मिलती। आज मैं जहां भी हूं मैं तहे दिल से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का शुक्रिया अदा करता हूं, और विद्या की देवी है तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। वहां के टीचर्स, वहां के जितने भी स्टाफ हैं,
अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते थे, मेरे टाइम में तो रहा है, बाकी मैं नहीं जानता हूँ। तो आज भी वहाँ के जो पियोन हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, आज भी वो लोग मेरे को फोन करते हैं, कैसे हैं मुकुल जी, याद है मैं आपके हॉस्टल का चौकीदार। तो मतलब उनका प्रेम आज भी बना हुआ है, तब भी वो इतना प्यार करते थे, है ना। तो बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड, मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है वो, सीखना, वो 3 साल की ट्रेनिंग, जिसे मैं आज भी आंख बंद करता हूँ तो पहुंच जाता हूँ। अगर किसी सीन में कहीं मैं अटक जाता हूँ तो आंख बंद करके सोचता हूँ कि मेरे गुरुओं ने क्या कहा था, क्या कहा था, अच्छा ये लाइन्स याद नहीं हो रही है या कुछ डिफिकल्टीज है, फंस गया मैं, तो आंख बंद करता हूँ, सोचता हूँ तो समझ, अरे हाँ ये कहीं कुछ कहा था कि इस तरह से करूं। तो आज भी मैं अपने गुरुओं को याद करता हूँ। कमाल है, एनएसडी का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली यूनिक होता है। आपने कहा कि आपको 7th time इंटरव्यू आया था, तो इससे मेरे मन में 2 सवाल आते हैं। जी जी। एक तो ये कि मतलब एनएसडी में तो एडमिशन मिलना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन जब आपने डिसीजन लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो आपने कहा कि आपकी माता जी का काफी सपोर्ट रहा, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि पहले कभी कभी एक्टिंग में सपोर्ट मिलता था, माता पिता से कभी कभी नहीं मिलता था। तो जब आपने एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, तो क्या सब जगह आपको सपोर्ट मिला? माता जी का तो मिला ही, लेकिन आपके मित्रों, उन सब का क्या ख्याल था आपका, मतलब आपके एक्टिंग के प्रति? जी जी जी, देखिए एक तो छोटा शहर, ऊपर से एक प्रेशर, मैं नाना नानी के यहाँ पला बड़ा हूँ, एक प्रेशर रहता है कि एक जिंदगी में पढ़ लिख जाओ तो नौकरी करो, क्योंकि प्रेशर था साइंस लो ये करो, इंजीनियर डॉक्टर, दो ही चीज थी, और एक बैंक था कि आप कॉमर्स लेके पढ़ो, ये 3 ऑप्शन थे, और वो 3 ऑप्शन मेरे को कभी पसंद नहीं आए। मैंने 10th के बाद, जबकि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, मतलब मैथ्स का एग्जाम, जो 10th का एग्जाम, मैं 3 घंटे की जगह मैं 2 घंटे में फिनिश कर लिया था सब काम। मैंने कहा मेरा हो गया, लोग छोड़ा नहीं मेरे को, मैं बैठा रहा ऐसे, ठीक। टीचर ने कहा पेपर देखा, ओके। मैंने कहा कुछ गलत है? नहीं, हम नहीं बताएंगे। मैंने सब ओके है सर, मैं इतने कॉन्फिडेंस था। फिर भी मैं थिएटर करता ही था, तो मेरे को लगा कि ये मेरी जगह नहीं है। तो विरोध होता रहा मेरा, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ। मेरे दोस्त, हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, हम उसमें थिएटर करते थे, वहाँ के इप्टा है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, वहाँ भी काम किया। फिर हमारा बंगाली फ्रेंड्स यूनियन ड्रामेटिक क्लब है, वहाँ भी हमने काम किया। फिर हमने अपना एक ग्रुप बनाया कि हिंदी, मेरे जो दीदी के ससुर साहब थे वैद्य चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुकुल, अगर तुम बहुत अच्छा नाटक करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, लेकिन अगर इस चीज को अगर आगे बढ़ना है, मतलब विश्व स्तर पर जाना है, तो तुम हिंदी में करो, तुम बंगाली में क्यों करते हो, बंगाली में करो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हिंदी में थिएटर करो, आगे बढ़ोगे। तो हमने अपना एक ग्रुप बनाया, फिर वहां हम लोग थिएटर करते रहे। फिर एनएसडी के एक बहुत पुराने स्टूडेंट थे, कौशिक जी, सुरेंद्र कौशिक जी, वो ओम शिवपुरी के बैच के थे, उन्होंने मेरठ में अपना एक ग्रुप बनाया था मुक्ताकाश के नाम से, हमने उसे ज्वाइन किया, और मुंशी प्रेमचंद के कई कहानियां की उस समय,
वो 78-79 की बात बताऊं, वहां से पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बस हमें कीड़े ने काट लिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना ही चाहिए जहां से लोग निकलते हैं। मेरे को फिल्मों में कोई चाह नहीं थी, मुझे एक्टर बनना है, थिएटर का एक्टर, क्योंकि थिएटर में जो मजा मैं बंगाली थिएटर में करता था, एक समय ऐसा भी था कि ऑडियंस बहुत पहले से आके बैठ जाती थी कि आज मुकुल का नाटक है, मुकुल है उस नाटक में, तो वो जो एक अंदर से जो फीलिंग होती है ना, वो मेरी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती रही। वो दिल्ली में पंचानंद पाठक जी के साथ जब मैंने ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्ले किया शुतुरमुर्ग, तो पहले मैंने झांक के देखा, ऑडियंस खचा खच भरी हुई है, और धीरे धीरे मतलब टेंशन, दिल्ली में मेरा पहला नाटक था 1983, मतलब दिल्ली में पहला नाटक मेरा, मतलब मैं सोचता था कि मैं तो कुएं का मेंढक हूँ मेरठ, और ये दिल्ली, दिल्ली की ऑडियंस, दिल्ली का ऑडिटोरियम, दिल्ली की लाइट्स, पहली बार, तो इतना मेरी तबीयत खराब हो गई, एग्जाइटी में मतलब घबराहट और पसीना आना शुरू हुआ। तो वहाँ उस टीम में एक डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने मेरे को दवा दी, और फिर मैं धीरे 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 नॉर्मल हो, कर कोई बात नहीं। पंचायत पाठक जी बहुत सीनियर, बहुत ही सीनियर, वो क्या गाते थे, आज भी उनकी गाय उस नाटक का जो गाना था, जो शुतुर नगरी शुतुर राज शुतुर शुतुर बाजे शुतुर नगरी शुतुर राज, मुझे अभी इतना ही याद है, बाकी मेरे को गाना कहीं लिखा होगा, पर इसकी धुन याद है, और वो एक विप्लवी एक सॉन्ग था, वो आज भी मेरे को दो चार लाइनें गा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। हाँ, उठ जाग भूखे बंदी, अब खींच लो तलवार, कब तक सहेंगे भाई जालिम का अत्याचार। मतलब पूरे रेंज में मैं गाता था, एक वो था कि एक मामूली सा इंसान, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके सामने अत्याचार होता है, वो फिर गाना गाता है, पूरे ऑडिटोरियम में मैं गाता हूँ, और वो दिन आज भी याद है कि मेरा सीना कितना चौड़ा था, और मैं खत्म होने के बाद खूब रोया इमोशनली कि दिल्ली में मैंने पहला नाटक किया, ऑडियंस का रेस्पॉन्स देखा, डायरेक्टर ने जब मेरे को गोदी से लगाया, अपने सीने से लगाया, वो सीन आज भी, तब फिर मैं दिल्ली में, मेरठ दिल्ली आना जाना शुरू किया मैंने, और लगातार मतलब 75 किलोमीटर आना, 75 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर पैदल चलना, 12 किलोमीटर पैदल आना स्टेशन, और नई दिल्ली से मंडी हाउस पैदल आना जाना, ये मेरा रोज का रूटीन था। अमेजिंग। और जब आपने एनएसडी से कोर्स खत्म किया और फिर प्रोफेशनली एक्टिंग का सिलसिला शुरू किया, तो जाहिर है कि शुरुआत में सब लोगों के साथ थोड़ा सा थोड़े से चैलेंजेस होते हैं कि अब पहली चीज मैं क्या करूं, कौन सा अच्छा सा रोल मिले, तो और आप मतलब एक्टिंग की दुनिया से बाहर से आए थे, तो शुरुआत में आपको काफी चैलेंजेस हुए थे, और अगर हुए थे तो आपने कैसे उनका सामना किया? एनएसडी से निकला तो मेरे दिमाग में यही था कि जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों को दूं, मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाखों करोड़ों रुपए मेरे ऊपर खर्चे किए हैं, तो समाज को भी देना चाहिए ना, सिर्फ अपने लिए नहीं था। मैंने पहला वर्कशॉप एनएसडी से निकलने के बाद
बरेली में किया। बरेली में 70 स्टूडेंट थे मेरे पास और अकेला मैं। सुबह 7 बजे से क्लास करता था और रात 10-11 बजे तक मैं काम करता था। बहुत सारी समस्या थी, स्पॉन्सर लोग भाग गए थे, एक चैलेंज बन गया था जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कि मुकुल जी हम सिर्फ आपका रहना खाना कर सकते हैं, वो भी मतलब वो उस तरह से जितना हमसे संभव हो पाएगा हम करेंगे, और आप प्लीज वर्कशॉप छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि पैसों की बहुत समस्या हो गई है। मैंने कोई बात नहीं भाई, थिएटर है और स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो ठीक है, जो आप देना चाहें दे देना, जो बातचीत हुई थी उसको भूल जाइए। तो एक छोटी सी जगह में मैं रहता था और सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता था और 70 स्टूडेंट को मैं संभालता था। और वहाँ प्ले किया मैंने महाभोज, मनु भंडारी का प्ले किया महाभोज। 70 लोगों को मैंने सेट जो है कैसे बनाना है, मतलब रॉ मटेरियल से कैसे सेट बनाया जाएगा, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा था। मैंने ये नहीं कि आप कार्डबोर्ड काट लो, लकड़ी खरीद लो, नहीं, मुश्किल से 2,000 या 2,500 रुपए में मैंने इतना बड़ा सेट खड़ा कर दिया था। 70 स्टूडेंट मतलब 140 हाथ मेरे साथ, मतलब आरी का अरेंजमेंट किया, हथौड़ी कील वगैरह मैं बताते ऐसे कितना, तो मैंने बांसों का इस्तेमाल किया जो सस्ते सस्ते उस समय 10-10 रुपए बड़े बड़े बांस मिल जाते थे। और बच्चों से बोला कि भाई तुम्हारे घर में कुछ भी कपड़ा है वेस्ट वाला वो लेके आओ, किसने मशीन मंगाई, मैंने सिलाई करते हैं, मैंने उनको दिखाया ऐसे सिलाई करो, तो कपड़ा इकट्ठा हो गया, उसको पेंट किया। तो मैंने कहा देखो पैसा ना हो थिएटर कैसे कर सकते हो सकता है थिएटर में यही है कि हम थिएटर कर सकते हैं, अगर आपके पास हुनर है, आप जानते हैं और लगन है और आपके पास हाथ है। तो मैंने कहा सड़क पे देखो क्या चीज मिल सकती है। तो कोई आदमी 2-3 बोरा ले आया, तो मैंने बोरा को काटना शुरू किया, उससे मैंने कॉस्ट्यूम बनाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने डेवलप की। तो आज भी वो लोग थिएटर कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट आज भी, और उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि खरीदने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा ना, लेकिन वेस्ट चीजों से जो फेंक दिया जाता है या कबाड़ी को दे दिया जाता है उसके साथ कैसे काम करें। पेपर मैशी से कैसे आप प्रॉपर्टी बनाओगे, मास्क कैसे बनाओगे, इस तरह से मैंने सिखाना शुरू किया। बरेली में किया, फिर मैं लखनऊ में वर्कशॉप किया, मुरादाबाद किया, गाजियाबाद किया, सहारनपुर किया, देहरादून में भी किया वर्कशॉप थिएटर, जम्मू में भी किया मैंने। तो 3 साल मेरे ऐसे गुजरे। फिर मेरे जो गुरु थे अभी रहे नहीं, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय ब्रज मोहन शाह जी, वो मुझसे अक्सर कहते थे भाई, क्योंकि मेरे को 13-14 साल से वो देख ही रहे थे, मैं दिल्ली में था, तो कहते यार तेरी पर्सनैलिटी है। मेरे साथ ये था कि मैं वो थिएटर वाला वो नहीं रखता था, झोला टांगे गरीब सा नहीं, जब शरीर है सब कुछ है तो उसको फिट रखना है। आज भी मैं फिट रहता हूँ, नहीं बिल्कुल फिट रहना है एक्टर को हमेशा, एक्टर क्या थिएटर में क्या, हर एक को फिट रहना चाहिए जिंदगी में, फिट रहेगा तो सब कुछ हिट होगा। तो मैं ऐसे कंधा झुका के, अच्छा खाना नहीं है ठीक है, दुर्दशा है, फाइनेंस की कमी है, तो लेकिन चेहरे पे क्यों लाए, एनर्जी लगनी चाहिए ऑलवेज। तो मेरे को कहते थे तेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, हो गया थिएटर सब कुछ हो गया, इतने साल किया है, तेरा भविष्य बॉम्बे में, जा बॉम्बे जा बॉम्बे जा। अरे सर बॉम्बे में पैसा कहाँ है मेरे पास, नहीं नहीं मैं देऊंगा तेरे को। मैंने नहीं सर, मैं फिर उनके कहने से मैं धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू किया और मैंने करीब 8,000 की FD बनाई और बॉम्बे से बॉम्बे के लिए चल पड़ा मैं। 14 जनवरी 1994 मैं 15 को
दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, 15 जनवरी को मैं 1994 में बॉम्बे एंटर हुआ। वहां पर मेरे जीजाजी पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी ने मेरे को सहयोग किया, मेरी दीदी ने सहयोग दिया, वहाँ रहने का किसी कहकर इंतजाम कराया और फाइनेंशियली भी मदद की कि यहाँ पता नहीं कब तक क्या रहेगा ये रख लें, बीच बीच में भी देते रहे। तो वहाँ से फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। शुरू के 8-10 महीने में ऐसे ही स्ट्रगल चलता रहा, कोई काम नहीं मिला। तो बीच में दिल्ली आया, दिल्ली में कुछ काम, क्योंकि दिल्ली में मेरा सेटअप था, आके कुछ वर्कशॉप कर लेता था या थिएटर कर लेता था या डायरेक्ट कर लेता था, वो पैसा इकट्ठा करके फिर मैं बॉम्बे आता था, मेरी जगह रहती थी। मैं फिर पीजी में शिफ्ट हुआ, पेइंग गेस्ट में रहा। तब इस समय 800 रुपये पर मंथ देना पड़ता था और 800 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी 94। तो फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद काम शुरू हुआ। लेकिन ईश्वर है और हमेशा रहेगा, और आपने अगर ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो ईश्वर आपके साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं से मेरे को हमेशा एनर्जी देते रहे, कुछ ना कुछ मेरे को, मतलब हाथ फैलाने नहीं दिया कि मेरे पास काम है, मतलब खाना दो पैसा दो, ऐसा कभी नहीं करने दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उन्होंने कभी मेरे को हाथ फैलाने नहीं दिया। तो पहली मेरी फिल्म थी प्रतिमूर्ति, जिसमें मैं हीरो था। इत्तेफाक से या बदकिस्मती कह लीजिए, वो फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई, वो कभी दूरदर्शन में आई। तो उस फिल्म से मेरे को काफी उम्मीद थी, लेकिन किस्मत डेस्टिनी, उससे कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसी फिल्म के रशेस देखकर बासु चटर्जी ने मेरे को बुलाया, और उनका तब चल रहा था ब्योमकेश बख्शी, तो उसमें एक नेगेटिव रोल दिया मेरे को, मतलब मेन नेगेटिव रोल। कहां मैं हीरो था और कहां मैं शिफ्ट किया विलेन में। लेकिन एक एपिसोड का रोल था, मैंने कहा नहीं कैरेक्टर बहुत अच्छा, क्योंकि मैं थिएटर से हूं, तो मैंने कहा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मैं इसको निभाऊंगा जरूर। और वो जो काम शुरू किया, 2-3 दिन की शूटिंग हुई, और बासुदा इतने अच्छे डायरेक्टर, वहाँ कमाल आज नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने हमेशा मेरे को काम दिया। जब जब उन्होंने काम किया तब तब मुझे बुलाया और अलग अलग रोल दिया और मुझे बहुत प्यार किया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे को कन्विंस तक दिया उन्होंने, वो उनके जिंदगी में पहला इंसान मैं हूँ जिन्हों को कन्विंस दिया, वो किसी को कन्विंस नहीं देते थे आने जाने का। मैं एक बार लेट हो गया, फिर कैसे लेट हुए, मैंने कहा सर ट्रेन में गया, लोकल ट्रेन में, एक तो उतर नहीं पाया मैं, तो मैं आगे पहुंच गया, उसके बाद समझ में नहीं आया कि मैं क्यों घर से निकला हूं, क्योंकि भीड़ इतनी थी, इतनी चोटें लग चुकी थी, मैं कुछ ऐसा वैसा हो गया था टेढ़ा मेढ़ा सा ट्रेन में। जब मैं बाहर आया मुझे फेंक दिया गया ट्रेन से, मतलब बॉम्बे की ट्रेन में लोग चढ़ते हैं अपनी मर्जी से, उतरते पब्लिक की मर्जी से ना, तो मैं भूल गया मुझे जाना कहाँ है। आधे घंटे बाद मेरे को समझ में आ रही, मैं तो शूटिंग के लिए जाना था मेरे को फिल्म सिटी। फिर मैं बैक ट्रेन पकड़ के गया, तो उन्होंने तब पूछा क्यों लेट हुआ तू, कभी लेट नहीं होता। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, मतलब तू गरीब आदमी है, मैंने कह सकते हो आप सर, मतलब मैं ऑटो के पैसे नहीं है मेरे पास सर। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को 50 रुपये दूंगा, किसी को बताना नहीं। तो जाते थे एक छोटा से रोल बनाते थे 50 रुपये का, और वो मेरे को चुपके से, और कैसे अच्छा हाथ नहीं मिला, हाथ मिला, हाथ मिलाया उसमें 50 रुपये। तो इतना प्यार करते थे।
कई बार दूर शूटिंग होती थी, तू मेरे को वहां मिल जा, मैं तेरे को पिक कर लूंगा जिससे कि मेरे पैसे बचे, तो इस तरह से करते थे। फिर गाड़ी धीरे 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 शुरू हुई, फिर ओम नमः शिवा किया, फिर दूसरे काम शुरू हुए, फिर फिल्म शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तो मैं जब मैंने आपको फोन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पैदा यही हुआ यूएस में, मैं बड़ा भी यही हुआ, लेकिन जो सबसे पहली चीज मैंने कभी देखी थी टीवी पे वो कृष्णा थे, और वो मेरे नाना नानी ने मुझे दिखाई, और उसके वजह से मैंने सबसे पहले हिंदी सीखी। इंग्लिश तो मैंने स्कूल में जाके सीखी, लेकिन पहले हिंदी सीखी, और उसके साथ साथ मैं बहुत स्पिरिचुअल भी हो गया था। तो आपके फैंस जो हैं, दर्शक जो हैं, खासतौर पे क्योंकि अभी कृष्णा भी फिर से एयर हो रहा है दूरदर्शन पे, आपके आपने उस पे कई किरदार किए, लेकिन जो दिलों को छूने वाला जो सबसे ज्यादा किरदार है वो सुदामा का था जी। कृपया हमें बताइए कि आपको कृष्णा में काम कब कैसे मिला, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक तो पापा जी श्री रामानंद सागर जी के साथ काम करते हुए, और सुदामा का किरदार, अश्वत्थामा का किरदार करते हुए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैं उन दिनों मैं ओम नमः शिवा कर रहा था, जिसमें पवन देव का, वो एक ऐसा सीरियल था जिसने मेरे को बॉम्बे में स्टे करने के लिए मतलब हिम्मत दे दी थी। रेगुलर काम था, पैसा भी आना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने पीजी छोड़ा नहीं क्योंकि वहाँ कई मित्र हो गए थे, तो मैं वहीं रहा। और उसी दौरान मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को मोती सागर जी, जो पापा जी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं, उनका नंबर दिया था। तब मोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन नंबर था। बोला कि 12 एक बजे के आसपास भी फोन करना, वो उठते ही 12:30 बजे है। ठीक है, मैंने करीब 1 बजे फोन किया तो पता चला सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो 2 बजे किया कि अभी उठे हैं, ठीक है। 4 बजे जाके उनसे कांटेक्ट हुआ, उनको बताया मैं ऐसे एनएसडी से हूँ, और मैं एनएसडी सुन के उनके दिमाग में एक अच्छी छवि थी एनएसडी, क्योंकि उनके एनएसडी के 2-4 स्टूडेंट और भी उनके साथ काम करते थे, तो उनको तो तुम आ जाओ 2-4 दिन बाद तुम आ जाओ। मैंने सर कहाँ पर आऊँ, बंगले में आ जाओ। अभी मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मेरे को आपका बंगला नहीं मालूम, तो इमेज खराब हो जाती कि भाई हमारा बंगला भी नहीं मालूम तुमको, तो कैसे स्ट्रगलर हो। तो मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। उन्होंने टाइम दिया था 12:30 का, तो अपने दोस्तों फोन करके बंगला पता किया और पहुंच गए, मतलब 12:30 बोला 11:30 ही पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पंक्चुअल रहा हूँ, टाइम से पहले जाने, और कोई काम नहीं था। इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बुलाया है मेरे को, तो पहुंच गया। लेकिन मुलाकात मेरे को 2:30 हुई, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया मेरा, और बोला मुकुल सारा सुना है, तुम्हारा एक ऑडिशन होगा और तुम्हें बड़ौदा आना पड़ेगा। मैंने कहा बड़ौदा? नहीं नहीं, उसका खर्चा हम करेंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने उनको बुलाया, मैनेजर को, इनका टिकट बना दो फर्स्ट क्लास, और ये वो फलाना, और इनको कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने पीने का, तो करीब 400-500 रुपये मेरे को दिए उसी समय। बोला ये फला टिकट आ जाएगा, आप यहाँ से कलेक्ट कर लो। पहुँच गए, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन था भीष्म का एक कैरेक्टर दिया था, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसको कॉमेडी में करके दिखाओ, अब भीष्म के डायलॉग कॉमेडी में करके दिखाए, कह रहे गुस्से में करो, हमने गुस्से में भी कर दिया, कह रहे हंसते हुए करो, रोते हुए करो, 5-6 तरह की चीजें उन्होंने मेरे से कराई। और मैंने सेम डायलॉग को, मैंने कहा थोड़ा सा वक्त लिया, सर 5 मिनट, हाँ मैं बैठा हूँ, चाय पिएगा, ये क्या है, तो है ना 5-6 तरह के। फिर कह रहे अपना कोई स्पीच याद है तो सुनाओ,
तो उस दौरान मैं एक प्ले कर चुका था अंधा युग, उसमें अश्वत्थामा कर चुका था। तो अश्वत्थामा की स्पीच मैंने बोली, वो जब उसके दुर्योधन के बाद वो बदला लेने जब जाता है दुर्योधन, तो वो उस समय की वो एक स्पीच थी, करीब 5-6 पेज की स्पीच है, वो काव्य रूप में है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी, तो इस तरह के डायलॉग थे। तो वो मैंने सुनाया, तो पूरे पूरे एनर्जी के साथ मैंने उसे प्रोजेक्ट किया। सन्नाटा, कुछ नहीं बोले। फिर उसको भी 2-3 स्टाइल में करवाया, और उसके बाद मेरे को कहा कि आज के लिए इतना काफी है। और कट टू, मेरे को अलिफ लैला में, अलिफ लैला की लास्ट स्टोरी मेरे लिए, उसमें युवराज का एक रोल था, वो मैंने किया। और मेरे को फिर इतिहास की एक प्रेम कहानी में मेन विलेन का रोल मोती जी ने मेरे को दिया, कहने इसको तेरे अलावा कोई कर नहीं पाएगा। और कभी YouTube में देखिएगा इतिहास की प्रेम कहानी, मेरा नेगेटिव रोल। तो वो जो मैंने प्रोजेक्ट किया उसके बाद, तो एक पापा जी भी बोलते थे, यार क्या किया तुमने, तो मतलब हमें भी डर लगता था। उसके बाद शादी हुई मेरी, शादी के बाद गृहस्थ में चीजें बहुत कुछ आगे बढ़ जाती है, कुछ फाइनेंस का जरूरत होता है। ये प्रसंग मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मैं कन्हैया का भक्त हूँ, और शादी के बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल काम नहीं था, तो फाइनेंस की कमी हो गई, तो मतलब 2-4 महीने का कुछ राशन पानी और वो सब था मेरे पास। तो एक दिन मैं कन्हैया से खूब झगड़ा किया, मैंने कहा अगर शादी करानी थी तो फिर व्यवस्था भी तो करनी थी ना तुम्हारे को, व्यवस्था तो तुमने की नहीं, अब मैं क्या करूं, वापस दिल्ली जाऊं क्या, हाथ तो तुम फैलाने दोगे ना और मैं फैलाऊंगा भी नहीं। मैं खूब झगड़ा किया 1-1.5 घंटे तक पूजा में, और झगड़ा करने के बाद मैं वापस उठा और कुछ करने ही जा रहा था कि पेजर आया, मैंने देखा कॉन्टेक्ट इमीडिएटली सागर आर्ट्स, मैंने फोन किया कर तुरंत चले आओ, मैंने खाना भी दिखा तुरंत चला पड़ा, क्योंकि काम मैंने समझ गया कि मेरे कुछ काम दे रहे हैं, तो काम की बहुत जरूरत थी। और मैं भागा, और रोल पता है क्या मिला, सुदामा। कहां कन्हैया से मैं फरियाद कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, और उन्होंने मेरे को सुदामा का कैरेक्टर दिया। ये किसकी सोच थी, पापा जी की या मोती जी की, किसने, मैं जबकि नेगेटिव रोल किया और मेरे को सुदामा दिया। सुदामा से पहले मैंने, शादी से पहले एक ब्राह्मण का रोल किया था, वो थोड़ा इमोशनल था। और लेकिन सुदामा जब दिया तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा ये मेरे उसमें जाएगा नहीं, नहीं करूंगा। फिर भी समझा, नहीं आ जाओ बड़ौदा आ जाओ, वहां देखते हैं। काम की भी जरूरत थी, मैं बड़ौदा पहुंचा, वहां विग वगैरह लगा दिया, तो विग लगाने के बाद मतलब गर्दन ऐसी हो गई कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, इधर देखने के लिए पूरी बॉडी को घुमाना पड़ रहा था। मैंने विग उतार के फेंक दिया, मैंने करना ही नहीं है, मैं स्टूडियो से भाग गया, भटकता रहा। बहुत स्टूडियो बहुत दूर था शहर से, मैं शहर के पहुंच गया, मार्केट पहुंच गया, फिर नाई दिखा मेरे को बार बार, तो मैं वहां गया, मैंने बाल मुंडवा दिए, मैंने कहा शेविंग कर दूं, वो सब करके फिर मेरे कुछ लगा, फिर मैं वापस आया स्टूडियो, पीछे के रास्ते से जाके मैंने मेकअप मैन को बोला अब मेकअप करो मेरे, बोलते बाल कहाँ गए, मैंने बालों को छोड़ो तुम अभी मेकअप करो मेरा। फिर मेकअप किया, फिर
मैं उनको बताता रहा कि सुदामा के लिए ऐसे करो ऐसे करो, फिर कपड़े कपड़े फाड़े, कपड़ों गंदा किया, मिट्टी में लेटा, फिर मैं एक लाठी ली। और इसी बीच किसी ने बताया मोती सागर जी को कि मोती जी वो आपका आर्टिस्ट जो है वो भाग गया। पर कौन? क्या जो सुदामा बना था ना, मेकअप उतार के भाग गया। वो कुछ बोला नहीं, वो सेट पे रहे। कहा हाँ देखो वो आएगा आएगा आएगा, उनको विश्वास था कि मैं आऊंगा। और मैं एंट्री की, उन्होंने मेरे को दूर से देखा और अपने असिस्टेंट को, देखो भिखारी घुसा है, उसको भगाओ वहां से। मैंने सुन लिया, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं भिखारी नहीं हूँ, आपके एक्टर सुदामा। उन्होंने मेरे को ऐसे देखा और कुछ नहीं बोले, साइलेंसली स्टूडियो के अंदर चले गए, लाइट्स ऑन। अब पहला शॉट लिया उन्होंने कि मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, पत्नी सो रही है, मैं रसोई में जाता हूँ, एक एक घड़ा पलट के देखता हूँ और कहीं कुछ नहीं है तो एक दाना दिखता है चावल का, वो चावल का दाना को दो हिस्से करता हूँ, एक अपनी पत्नी के पास रखता हूँ और एक मैं भगवान के पास रखता हूँ। पहला शॉट उन्हें वो लिया और वो लेते ही मैं कैरेक्टर के अंदर आ गया। ये था मेरा सुदामा के लिए पूरी शिद्दत के साथ समर्पण। और वो कितना इमोशनल, कितना सुंदर प्रसंग है पूरा। मतलब मैं तो भूल ही नहीं सकता कि वो आप जब सुदामा का किरदार करते हैं, आप वहां एक राजा के पास जाते हैं, वो एक गाना गाते हैं कि सुन राजा त्याग दे, फिर जब आपकी मुलाकात होती है वो कृष्ण जी, जब वो ग्वाले का रूप लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, और फिर जब आप वहां, जब सुदामा वहां पहुंचते हैं द्वारिका, जो जब वो कृष्ण जी उनको वो महल के अंदर लाते हैं, उनके आंसू पहुंचते हैं, फिर वो देखते हैं कि उनके पैरों में वो कांटे चुभे हैं, और मतलब कमाल कमाल का प्रसंग था पूरा। और एक्चुअली एक इससे जुड़ी हुई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब एक्टिंग होती है तो एक्ट्रेस की जो एक केमिस्ट्री होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपने सुदामा का रोल किया और एसडी बैनर्जी साहब ने जो कृष्ण का रोल किया, जो एक केमिस्ट्री जो सामने आई वो तो दर्शकों ने देखी, तो आप दोनों रिहर्स करते थे, वो जो एक रपोर था कैरेक्टर्स के बीच में, जो एक्टर्स के बीच में भी होता है, वो कैसा था, वो कैसे बना? देखिए वो भी बहुत बेहतरीन एक्टर है सर्वधमन बैनर्जी, और मैं भी एनएसजी से हूँ, वो भी थिएटर से रहे हैं, काम किया, बहुत बेहतरीन काम कर चुके थे। एक एक्टर दूसरे एक्टर को तोल लेता है जब वो आमने सामने आता है ना, आने से पहले हम लोग, मैं तो मिलता हूँ कि मेरा को एक्टर कैसा है, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बैठता हूँ। वो थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गए थे और अलग ही सुर में रहते थे, उनका अलग ही सुर लगा रहता था, तो मैं उनके हाव भाव से समझ गया कि ये बेहतरीन एक्टर हैं और इनके साथ तालमेल बिठाना है। तो प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने तालमेल बिठाया। तो मतलब हम जब काम करते थे तो जैसे होता ना, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, इस तरह से बनता था। वो एक लाइन देते थे तो मेरे को लगता है इससे ऊपर देना है या इससे नीचे देना है, तो वो सुर चलता था, सर ये जो स्वर जो रहता ना वो अपने आप चेंज होता रहता था। और जब सामने वाला भी धुरंधर हो ना, तो अभिनय करने में फिर वो अभिनय नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में। और फिर ये प्रसंग कृष्ण और सुदामा, तो कहीं ना कहीं वो हम इन्वॉल्व हो गए, फिर वो आत्मा के साथ कनेक्शन। कई बार ऐसे हुआ सीन हो भी गया, हमें पता भी नहीं, अरे सीन खत्म हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अगर ईमानदार रहते हैं तो उस कैरेक्टर को, अगर वो आध्यात्मिक अगर कुछ है तो उसको पृथ्वी धरती पर उतरना पड़ता है, मैं जहां तक मैं समझता हूं।
इस तरह की चीजों के लिए उसको उतरना पड़ता है, तो वो उतरते ही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप 100-200% इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आता है, उसकी छवि आती है, या कुछ भी ऐसी कुछ ऐसी होती है कि जो आप बाद में देखते हैं, अरे मैंने ये सोचा नहीं था ये करने के लिए, ये कैसे हुआ, और ये कैसे हुआ, ये उसने किया, मैंने नहीं किया। तो इस चीज को मैं मानता हूं, और कि बहुत कुछ चीजें अपने आप ही होती हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट और आपका 100% आपका एफर्ट होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कोई भी कैरेक्टर करो तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसमें अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करूँ। और इंडस्ट्री में एक चीज है कि आपको आंख और कान खुले रखने चाहिए कि आपका डायरेक्टर क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, डायरेक्टर के मन के अंदर घुसना चाहिए कि वो चाह क्या रहा है, इस सीन को, इस कैरेक्टर के लिए वो ऐसा क्या चाह रहा है जो मेरे को देना है। जब ये भाव आ जाएगा तो चीजें निकलनी शुरू होगी, और उसी के हिसाब से डायरेक्टर लुक भी चेंज करता है, वो फिर आगे की तरफ सोचता है टेक्निकली कि इसको मैं कैसे आगे बढ़ाता चला जाऊं कि ये कैरेक्टर और ऊपर चला जाए। तो ये सारे इन्हीं चीजों से ही होती है। Absolutely. और ये तो सब जानते ही हैं कि सुदामा और अश्वत्थामा और ऐसे किरदार करने के बाद फिर 2005 में आपने ऐसा किरदार किया जो आज तक लोग खूब याद करते हैं, खूब श्रद्धा भाव से देखते हैं, और वो है साईं बाबा का किरदार जो आपने एक बार फिर से सागर परिवार के साथ काम किया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसकी प्रेपरेशन कैसी रही? हाँ, इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा आपको। साईं बाबा का किरदार सुदामा के बाद मेरे पास करने के लिए आया था सोनी चैनल के लिए, उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास है। उस दौरान उन्होंने सुदामा देख के मेरे को कास्ट किया था। अशोक जी नाम है उनका जो डायरेक्टर थे। एक दो दिन शूटिंग हुई और इत्तेफाक से वो आ नहीं पाया, एयर नहीं हो पाया फाइनेंशियली और जो भी रहा हो, लेकिन उस दौरान जो मैंने सोचा था, कैरेक्टर को लेके पढ़ा था, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। तो मैं चाहता था कि ये रोल कहीं ना कहीं फिर से जीवित हो, मैं करूं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर दबा हुआ था। और उस दौरान मैं फिल्म कर रहा था, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा था, मैं प्रकाश झा के साथ अपहरण कर रहा था, राम गोपाल वर्मा का मैं जेम्स कर रहा था, और श्याम बेनेगल जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कर रहा था। तो तीन प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े थे मेरे पास, और मैं उनके साथ रेगुलर करता था। मतलब अंतराल होता था, किसी को 6 महीने बाद, किसी को, चल रहा था, मतलब अच्छा खासा वो चल रहा था। तो उस दौरान जो है श्याम बेनेगल जी के साथ जो मैं काम कर रहा था, मेजर प्रीतम सिंह का एक कैरेक्टर था जिसने बर्मा में काफी अंग्रेजों के साथ काफी संघर्ष किया था और उनकी बटालियन को पीछे हटाया था, वो कैरेक्टर मैं कर रहा था। तो सरदार का कैरेक्टर था, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, और जब मैं वापस आया था तो वहां जो फोटो वोटो खींचे थे तो मुझे पता चला रामानंद सागर जी साईं बाबा करने जा रहे हैं। मैंने कहा साईं बाबा, अच्छा फोटोग्राफ दिखे, मैंने कहा ये दे देता हूँ। उस समय फोटोग्राफ्स खिंचवाना भी एक बहुत बड़ा काम था, मतलब अच्छे खासे पैसे लगते थे। तो मैंने वही फोटो लिया जो मैंने सरदार का गेटअप था, उसमें दाढ़ी वाड़ी ठीक ठाक थी, तो वो मैं उनकी टेबल पर छोड़ के आया था। उन्होंने मेरे को बुला लिया था, जब बुलाया तो फिर काफी तैयारी मैं पहले से दिमाग में थी मेरे, और जब मैं वहां पहुंचा तो करीब 150-200 लोग थे,
जो साईं बाबा के ही ऑडिशन देने के लिए आए थे। मैं पहुंचा तो काफी लोग जानते थे, अरे मुकुल आ गया, अब हमारा ना होना ही बेकार है, ऐसा कुछ सुख बुगाहट सी हुई थी मेकअप रूम और आसपास। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे को एक 2.5-3 पेज का एक सीन दिया गया और उस सीन को बोला कि आप तैयार कर लीजिए या पहले मेकअप करें। मैंने मेकअप कर दो, मेकअप कर दिया, दाढ़ी वाड़ी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम मैंने पहन लिया और मैं सीन पे लग गया। सीन तो याद हो गया लेकिन मुझे कहीं से कुछ करंट नहीं मिल रहा था कि सीन के अंदर इन होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा था कि कैसे इस सीन को यहाँ से शुरू करके वहां तक अगर जाना है पूरे एंड तक तो वो एंटर होने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इम्पल्स नहीं मिल रहे थे कि कैसे करूं कैसे करूं। तो मैं एक साइड में छोटा सा सीढ़ी था और वो फिर छत की तरफ जाता था, मैं चुपके से वहां चला गया और वहां जाके मैं छत पे रिहर्सल करता रहा और यहाँ के मुकुल कपड़ों के साथ गायब हो गया। ऐसे कैसे? मेरे रावण सागर ने बोला मुकुल को भेजो। मैं तो लगा हुआ था कि एंटर कैसे करूं, इसको स्टार्ट कैसे करूं, स्टार्टिंग नहीं मिल रही थी किसी भी चीज की। नहीं, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्टिंग और एंड। तो स्टार्टिंग नहीं मिली तो एंड कैसे आएगा? तो करते करते एक जगह मेरे को स्टार्ट मिल गया कि मुझे करना क्या है, बस उसके बाद एंड आ गया। मैं नीचे कहाँ चले गए थे ये वो, मैंने कहा चुप रहो अभी कुछ मत बोलो। मैं पापा जी के पास गया, अरे तुम ऐसे, मैंने सीधा हाथ दिखाया ऐसे, तो पापा जी समझ गए ये अभी कैरेक्टर में है, कुछ नहीं बोला। अब बोला, इशारा किया तो असिस्टेंट ने बोला आपको ऐसे करना है ऐसे करना है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं बैठे बैठे ये डायलॉग नहीं कर सकता, मैं ऐसे करके ऐसे आऊंगा ऐसे बोलूंगा। फिर कुछ लोगों के विद्रोह को कम करने, जो हिंदू मुस्लिम के ऊपर था कि और इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, इसके ऊपर लंबी चौड़ी स्पीच थी, 2-2.5 पेज की स्पीच थी। मैंने कहा वो बैठे बैठे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। कहने कि कैमरा मैंने तो सेटअप कर रखा है। मैंने मैं नहीं कर रहा। फिर तो पापा जी ने कहा पीछे से, मुकुल जैसा कह रहा वैसा करो। तो कैमरा मैन ने कहा इसमें आधा घंटा जाए, कोई बात नहीं वेट करेंगे। मुकुल तो वेट करोगे? मैंने कहा यस। आधा घंटा फिर पूरा सेटअप चेंज हुआ, फिर मैंने पोजीशन लेके जब काम किया, उसके बाद जब खत्म हुआ तो मेरे को बोला जाओ मेकअप उतारो। मैं मेकअप उतार के आया, पापा जी के पास आया। मैंने सर कैसा है, भाग जाए यहां से। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं नहीं तू निकल, डांट दिया मेरे को। मैं चला गया, सारी रात बाइक से जाते जाते सोचता रहा मेरे से क्या गलती हो गई यार, मैं बड़ा निराश हो गया। 2-3 दिन बाद फिर फोन आया, सागर विला में आओ। मैं पहुंचा, फिर देखा ऑडिशन हो रहा है, तेरा एक ऑडिशन करना है। फिर वो दाढ़ी, अभी डिफरेंट कलर की दाढ़ी लगाई उन्होंने, थोड़ा अध खिचड़ी वाली है जिसे बोलते ना, तो वो लगाया। ऑडिशन हुआ, फिर मैंने किया, फिर मेरे को बोला भाग जाए यहां से। मैं फिर चला गया, 4-5 दिन बाद फिर मेरे को बुलाया गया। फिर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाली ना, स्टार्टिंग वाली को जो 28-29 साल वाली दाढ़ी लगाए, फिर मैंने ये हो क्या रहा है, अरे भाग जाए यहां से। मैं फिर चला गया। उसके बाद फाइनल मेरे को बोला, बुलाया मेरे को और बोला अभी तू ही कर रहा है। बड़ा खुश हो गया मैंने, यार मेरे को तो लड्डू मिल गए। मैंने ठीक है, करे नहीं ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। क्या हुआ? करे बुढ़ापे का नहीं कर रहा। मैंने कहा बुढ़ापे का नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, बुढ़ापा ही तो बाबा है। नहीं उन्होंने मेरे को बोला ही नहीं। मैं बड़ा निराश हो गया। करे जवानी का कर रहा। मैंने जवानी का है ठीक है, लेकिन मेन तो बुढ़ापा है। कुछ नहीं बोले, बोला कि तेरे को जवानी से लेके बुढ़ापे तक काम करना है। एकदम से मतलब शॉक्ड, मैंने इतना बड़ा कलाकार बना दिया मेरे को कि वे इतने महान संत की मतलब
जवानी से लेके बुढ़ापे तक। मैं, सर ऐसा क्यों? अरे तेरे टक्कर का कोई मिल ही नहीं रहा था मेरे को जो जवानी का मिडिल एज का कर सके, तो तू तो हमारे लिए बुढ़ापे का फिक्स है ही था, लेकिन तेरे से मैच नहीं कर रहा था कोई। अरे उसके बाद तो मैंने कहा इतना विश्वास, इतना कुछ। फिर मैं सब कुछ छोड़ के साईं बाबा में पूरी तरह से लग गया, पापा जी के साथ रात रात भर बैठे हुए हम लोग बातें करते थे, कैसे करना है, क्या करना है, जवानी में कैसे लुक कैसा होना चाहिए, आंखें कैसे घूमनी चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। फिर मैंने उसमें जोड़ा, पापा जी मैं इसमें पलक नहीं झपकूंगा। कैसे करेगा बेटा? मैंने कहा अभी है टाइम, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सारे 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 दिन ऐसे आंख जब थक जाता था तो आंखों को ऐसे पकड़ के रहता था, ऐसे पकड़ के रहता था, पलक नहीं झपकनी चाहिए। तो इसमें देखिएगा साईं बाबा में मेरे कहीं भी ब्लिंक नहीं होती है। तो उसके लिए मेहनत करी और बाबा का आशीर्वाद था, पापा जी की सोच थी कि यही कर सकता है। हो गया। अमेजिंग। हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हमने आपके करियर के बारे में जाना, आपके अनुभवों के बारे में जाना, और इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं साईं बाबा को लेके, कृष्णा को लेके, आपकी पूरी जर्नी को लेके। जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो यंग लोगों के लिए या एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जुड़ा हुआ है। आपने रामानंद सागर जी के साथ काम किया, बासु चैटर्जी के साथ काम किया, प्रकाश झा साहब के साथ काम किया, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि उन डायरेक्टर्स से आपने क्या सीखा जो यंगर जनरेशन को भी आप बताना चाहेंगे जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, और आपके आपकी अपनी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जो एक्टिंग में कदम रखना चाहते हैं। देखिए कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं होता। लोग समझते हैं कि ये इजी है, लेकिन इजी कोई भी प्रोफेशन नहीं है, चाहे आप डॉक्टरी कह लें, इंजीनियर कह लें, या कलाकार कह लें, या किसी भी लाइन टीचिंग कह लें, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफल होता है। ऐसा नहीं है कि हर डायरेक्टर हर डॉक्टर सफल होता है। अगर डॉक्टर मेहनत नहीं करेगा तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर वो हर मरीज के साथ 100% नहीं जाएगा तो वो औसत दर्जे का इंसान कहलाएगा। इसलिए उसको वो हर एक चीज में लागू होता है, एक्टर में भी लागू होता है, कि हमेशा जो काम कर दिया है उसको भूल जाओ, आगे सोचो, आगे जो भी काम आए, नया काम आए, तो उसको नए तरीके से पढ़ो। मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे को उसके लिए बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, ये फीलिंग हमेशा रखना चाहिए। नहीं मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हो गया हूँ, बड़ा नाम है, मैं जो करूंगा वही होगा, तो ये सबसे गलत बात होगी। हमेशा अपने आप को नीचे रख के काम करो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। अगर सर ऐसा करके करोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आपको आशीर्वाद ऐसे करके मिलता है, ऐसे करके नहीं मिलता, ऐसे करके अहंकार मिलता है। तो इसलिए हमेशा एक्टर में, एक्टिंग के लिए हमेशा आपको अलग अलग कैरेक्टर में जीना पड़ता है। हर कैरेक्टर एक नया होता है। अगर मैं कल आपका किरदार करना हो तो मेरे को आपके पीछे स्टडी करनी पड़ेगी ना, हर चीज के बारे में। खाली यही नहीं है कि मैंने आपको देख लिया, आप ऐसे ऐसे करते हैं, आप ऐसे रहते हैं, आपने ये खाया ये पिया, इस तरह से देखते हैं, या कभी गुस्सा ही नहीं होते। ये सिर्फ ऊपरी आवरण है, मुझे आपके अंदर सेल के अंदर घुसना पड़ेगा। हर कैरेक्टर का एक सेल होता है, मुझे आपके इनर को टटोलना पड़ेगा। आप मुस्कुराते तो मुस्कुराने का कारण क्या है, ये अगर गुस्सा होता है गुस्से का कारण क्या है, उसका आवरण अगर जब निकाल लोगे तो उसका इजी हो जाएगा। आपको उस कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा। तो इसके ऑलवेज
कोई भी कैरेक्टर हो तो उसको इजी मत समझो, उसे चैलेंज की तरह लो कि मुझे इसमें और जाना है और करना है, और जो कर लिया आपने, और ये मत सोचो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। अगर जिस दिन ये सोच दिया मैंने बहुत कुछ कर लिया तो उस दिन एक एक्टर का दी एंड हो जाता है। जिसने सब कुछ कर लिया तो आगे क्या, इससे बेस्ट बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता, क्रिएटिव काम में दी बेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दी बेस्ट हो गया तो इसका मतलब आपके अंदर और कुछ है नहीं कि आप कुछ आगे कर पाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा यंग जनरेशन को कि हमेशा आगे की तरफ सोचते रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहें, उसके लिए एक्सरसाइज करते रहें, उसके लिए त्राटक करिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक भी होइए। आप किसी भी मजहब के हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए, तो आप शांत चित्त से कोई भी काम होगा तो शांत चित्त से ही हो पाएगा। मुकुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एडवाइस सुनकर, मतलब बहुत खुशी हुई, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की। होप आपको मजा आया, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपका ये इंटरव्यू दुनिया के साथ शेयर करने के लिए, और हम आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके भी बहुत एक्साइटेड हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ओके ओके विक्रम जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते folks, this is Vikram Mathur with the American Bazaar signing off. Thank you for watching.